नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। दो भारतीय खिलाड़ियों के लिए और पैरा एथलीटों के लिए ओपनिंग सेरेमनी के बाद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। आपको आज मेडल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज ज़्यादातर जो है प्रिलिमिनरी राउंड है, पहले राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं। कई सारे मैचेस हैं जिसमें बैडमिंटन, आर्चरी, एक इंपॉर्टेंट जो है इवेंट है इंडिया के लिए वो साइकिलिंग है। साइकिलिंग में दो खिलाड़ी आए हैं, अर्शद और ज्योति। तो ये एक नई पहल हुई है यहाँ पे, और जो साइकिलिंग में उम्मीद कर रहा है जो अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बैडमिंटन, आर्चरी, एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होंगी और इन सब खिलाड़ियों पे हमारी नज़र रहेगी। एक बात जो यहाँ एक बार फिर से शेटरू में कल से मुकाबला शुरू होगा, जहाँ से उम्मीद है जिस तरह से मनु भाकर ने किया था शेटरू में पदकों की शुरुआत, उम्मीद की जा रही है कि मनीष नरवाल और अवनी लेखरा, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं ये सब, इनसे उम्मीद की जा रही है कि ये गोल्ड मेडल जीतेंगे और वहाँ से शुरुआत होगी। और एक बार फिर जैसे शेटरू से शुरू होकर पेरिस तक हमारे खिलाड़ियों ने हल्ला बोला था, पैरा एथलीट भी उससे ज़्यादा ज़ोर से अपनी अहमियत दिखाने के लिए तैयार हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। कई सारी जो सुविधाएं यहां पे खिलाड़ियों को मिली है वो तो एक अलग बात है, कई सारी शिकायतें भी हैं जैसे पेरिस ओलंपिक्स के दौरान हुई थी, लेकिन ये खिलाड़ी अब मैदान पर उतर चुके हैं और आने वाले दिनों में भारतीय खिलाड़ी और भारतीय फैंस इनसे पदकों की उम्मीद करेंगे और तिरंगे को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो मुमकिन है कि एक बार फिर भारत के पदकों की शुरुआत शूटिंग से हो, जहां पे 10 खिलाड़ी आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल जो आया है 38 खिलाड़ियों का, 84 में से 38 खिलाड़ी हैं, लगभग 50% भी कहें। सबसे बड़ी बात यह है इनमें भी कि जो कोच सत्यनारायण हैं या जो और एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी आए हैं वो सब फाइनल में पहुंचेंगे। तो एक अच्छा जो उनका स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ है, और अगर वाकई ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा वो कई सारे गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, कई सारे पदकों की उम्मीद कर रहे हैं, कई सारे पदक विजेता हैं उसमें, सुमित आंटिल हैं, मरियप्पन हैं, इन जैसे खिलाड़ी वहाँ पे हैं, योगेश कथुनिया हैं, इन सारे खिलाड़ियों ने पहले भी अपना लोहा मनवाया। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई खिलाड़ी गोल्ड जीत सकते हैं, जिसकी बात लगातार पिछले पेरिस ओलंपिक्स के दौरान होती रही और अब पैरा एथलेटिक्स के दौरान हो रही है। कोच बहुत आश्वस्त हैं, कोच सत्यनारायण, वो पहले भी एथलीट रह चुके हैं, एबल बॉडी में वो दौड़ते थे 1500 मीटर, लेकिन उनका कहना जो मौजूदा एथलीट हैं उनको जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है और दुनिया भर के जो एथलीट हैं उनसे जिस तरह का कंपैरिजन हुआ है टाइमिंग्स को लेके, उनके परफॉर्मेंसेस को लेके, इसलिए वो आश्वस्त दिख रहे हैं कि ये टीम एथलेटिक्स की खासकर ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग जैसे गेम से, इन गेम से पदकों की उम्मीद भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय फैंस को ज़रूर रहेगी। वी आर इन द सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ स्टाइल एंड सिटी ऑफ स्पोर्ट्स। आई एम जॉइंड बाई नन अदर दैन सत्यनारायण, द हेड कोच ऑफ एथलेटिक्स। वी हैव द बिगेस्ट स्क्वाड दिस टाइम अराउंड एंड दिस इज द इनिशिएटिव समर्थ बाई हंडे इन पार्टनरशिप विथ NDTV। सत्यनारायण साहब, 38 लोग हैं, 38 out of 84, लार्ज ऑलमोस्ट 50% स्क्वाड। सी 38 एथलीट मेरा एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड अगेन ऑल 38 भी दे विल रीच विद इन 10 में आ जाएगा, ऑलमोस्ट इन द फाइनल्स। एंड अगेन मेरा एथलीट डेफिनेटली 10 to 12 मेडल हम जीतेंगे एथलेटिक्स में, और 10 to 12, और ओवरऑल आप जैसे कह रहे थे बैडमिंटन, ओवरऑल सब मिला के 25 मेडल से ऊपर ही हम जीतेगा। एंड अगेन इतना कॉन्फिडेंटली हम बोल रहे हैं, जैसे मेरा 4th पैरालंपिक गेम्स है, एक ओलंपिक्स एज ए स्पेक्टेटर गया है 2008 में, मैं खुद एथलीट भी है। हाँ, 1500 मीटर भागते थे एबल बॉडी एथलेटिक्स में, और सत्यनारायण अच्छे एथलीट रहे हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। मेरा एक एथलीट का भी मेरे को उसका माइंड सेट, उसका परफॉर्मेंस, उसका क्या जरूरत है, एक भी चीज़ पता है। पेरिस में हम लोग 30th से स्टार्ट होने वाला है, हम 30th से ही हमारा मेडल स्टार्ट होता है टिल 6 तक का, और एवरी डे यू आर गोइंग टू विन द मेडल। अच्छा, इस बार जैसे सुमित हैं या और भी जो निषाद हैं, मरियप्पन हैं, इन जैसे एथलीट्स, इन सब में क्या चेंज आया सर? जैसे आप तो पहले भी देखे हैं, टोक्यो में हमने काफ़ी जीता, लेकिन माइंडसेट क्या चेंज आया है, ओवरऑल क्या चेंज देखते हैं? सी चेंजेस ये आए हैं, वो लोग को भी पता चला हम स्पोर्ट्स करने से हमारा इज्जत बढ़ेगा, एंड अगेन जॉब मिल जाएगा, कैश इंसेंटिव मिल जाएगा, लोग हमारे को रिकग्निशन करता है, फैमिली में रेस्पेक्ट मिलता है,
ये लोग को समझ में आ गया वो चीज़। एक जैसे डिसेबिलिटी वाले फैक्टर के साथ इंडिया में कई सारे एथलीट हैं, अचानक ये सर्च कैसे आया? सर ये सर्च नहीं है, मैं 2018 में बीजिंग ओलंपिक्स में गया था, ये बलवाड़ी में मैं देखा उधर पैरा ओलंपिक्स बोल के बोर्ड चेंज हो रहा था। अरे पैरा ओलंपिक भी इतना सीरियस स्पोर्ट्स है क्या? आई रिसर्च, फिर मेरे को पता चला हाई जंप में अच्छा स्कोप है। मैं दो हाई जंपर्स को लेके आया, एक एचएन गिरीशा को एक शरद को। एचएन गिरीशा लंदन पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता, देन रियो में दो मेडल जीता हाई जंप में, अगेन टोक्यो में इवर वन आंधी हाई जंप में ही फोर मेडल जीता हाई जंप। ओलंपिक्स या किसी भी खेल महाकुंभ के दौरान कहानियां सिर्फ मैदानों पर नहीं बनती है, कहानियां सिर्फ जीत हार के नहीं होती है, कहानियां यादों की भी होती है जिसे लोग संजो कर रखते हैं और बरसों तक संजो कर रखते हैं, अपनी पीढ़ियों को कहानियां सुनाते हैं। ऐसे ही हमारी मुलाकात एक पिनमैन से हुई जो 9 ओलंपिक्स और 9 पैरालंपिक्स से इस तरह के पिन जमा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए अपनी तैयारी करते हैं ताकि वो कमा सके और हर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जा सके। एक्चुअल फ़ैन है, वो ओरिजिनल फ़ैन जिनको कहते हैं, और इनको ओलंपिक्स का भी जुनून है और पिंस का भी जुनून है। सो आई एम जॉइंड बाय द पिन मैन ऑफ ओलंपिक्स, आई मीन ऑल ओलंपिक्स पैरालंपिक्स ही डज गो, एंड आई मेट यू इन 2004। व्हाट्स आई मीन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जॉन। यस, आई स्टार्ट इन 2004 ओलंपिक गेम्स, आई मीट दैट गाय and we exchanged pins. We meet in some Olympics again and till 2070. Okay, so okay. What keeps you going? I mean, what is your passion for pins? I like pins. I collect and I try to find new every time. And why do you collect it? Because I like. You like, and these why are... you eat every day? Oh, so I mean, it's my food. This is your food, and this is also keeps you. This is a kind of memory you keep. Yes, I travel in the world. Yeah. Okay. Yeah. I go in 9 Olympic Games. 2 months I stay. And you have Indian pin also. Yeah. Indian pin. Indian pin. I have Indian. No, you do have. But you give me more. I will give you Indian, and I'll exchange one from you. Yes. But it's good to see, and he's been carrying these pins all across, and people are passionate about like pins collecting. I mean, you will find lots of people asking for pins, and this is one of the Indian pins. I'm giving it to you, and would like to exchange if you want. Okay, you give me anyone. I give you one from Athens 2004. Okay, Athens 2004. You will give me one pin, and this is the way people celebrate their memory. They keep their memory on. I mean, from these, they collect their memories. They relish these memories. And this gentleman is giving me a pin from Athens Olympics. We met for the first time, John. John, where are you from? Which country, John? This country. He's from Athens itself, and that's how we met in Athens. Thank you so very much, John. And keep the memories. Live, keep promoting these sports, mega sporting events. Thank you so very much. Thank you for talking to us. So this is the pin man. Thank you. दुनिया भर के सैलानी जब फ्रांस और पेरिस आते हैं तो लूब्र म्यूजियम ज़रूर जाते हैं, खासकर लियोनार्डो दा विंची की जो मोनालिसा जो पेंटिंग है उसको देखने के लिए। दरअसल पूरे फ्रांस और यूरोप में जो रेनेसां के दौरान जो एक आर्ट और कल्चर का रिवाइवल हुआ उसकी झलक अभी फ्रांस के सड़कों पे आपको दिख जाएगी। फ्रांस और खासकर हॉलैंड में आपको दिखेंगे कई आर्टिस्ट, आपको दिखेंगे उम्दा आर्टिस्ट, बहुत शानदार पोर्ट्रेट बनाते हैं। एक ऐसे ही आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात हुई, मारियो नाम है उनका, और एक बच्चे की तस्वीर फटाफट बना रहे थे, और कमाल की कमाल का हाथ है उनका, ब्रश जो चलता है। उसके अलावा वो भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं, भारत के आना चाहते हैं और भारत के बारे में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। उनको आर्ट के बारे में, इंडियन आर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी रही। सुनते हैं उनसे उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फ्रांस आर्टिस्ट का शहर है, गोगा रोदा मैंगो भी यहाँ उन्होंने कम किया है। और तो फ्रांस आर्टिस्ट का शहर है, और ये छोटा बच्चा ऑस्टिन, हाय
तो ये इनकी तस्वीर बन रही है, मारियो है आर्टिस्ट, ये बना रहे हैं यहाँ पे, और पिकासो, गोगा, रोदा, वैन गॉग, न जाने कितने लोग यहाँ पे आए और उन्होंने आर्ट से इस धरती को इसकी विरासत बढ़ा दी। मिस्टर मारियो, वेरी नाइस फोटोग्राफ, हैव यू मेड एनी फोटोग्राफ ऑफ एनी इंडियन? या ऑफ कोर्स, इट मेक्स नाउ I don't know, too many years. I'm working with all kind of countries, you know, everybody. So, India. You like India? Yeah, of course. Like, India is very old country. And We also have a legacy of art. I've never been in India, but... Come to India, you will find lots of things. I hope so one day. Taj Mahal and everything you can draw. And this child is very cute. With pleasure. Hey, Austin. Yeah. Hey, you laugh very well. With pleasure, sir. No, hit him. No hitting. Fist bump. But Indian, they do like art. Very shy. No issue. तो ये आर्टिस्ट का एक कमाल है, यहाँ पे फ्रांस में इस तरह की तस्वीर आपको कई जगह मिल जाएगी, फ्रांस में, हॉलैंड में, ऐसे बहुत ही बेमिसाल आर्टिस्ट होते हैं, फटाफट बना देते हैं, 5 मिनट के अंदर इन्होंने ये बनाया है।